हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में आपका अपना स्वागत करता हूँ एक औषधीय जानकारी के साथ। तो आप देख ले, मैं इधर आया था जंगल, तो जंगल में मुझे ये बांस मिला है। तो प्रायः सभी लोग जानते हैं बांस की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, इसमें से बम्बू भी बोलते हैं इसको। तो इस बांस में एक खुक्कल वाला बांस है, इसमें अंदर से खुक्कल होता है, एक बांसी बोलते हैं जो अंदर से लाठी बनाने के काम आती है, वो दूसरे प्रकार की होती है, वो अंदर से भरतल होती है, मगर ये अंदर से खुक्कल है। आप इसकी पत्तियां देख लें, थोड़ी खुरखुरी और लंबी भालाकार होती हैं, कुछ इस टाइप की। और बांस पे जो इसका फल है, बीज है, वो साल में एक या दो बार या किसी किसी पे एक ही बार आता है जीवन काल में इस बांस पे। तो इस बांस का आयुर्वेद में काफ़ी वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में एक औषधि आती है जिसका वंशलोचन कहते हैं। तो वंशलोचन की तासीर ठंडी होती है, ये पित्त को समन करने वाली होती है। तो ये वंशलोचन इसी बांस से प्राप्त होता है। अगर आपके घुटनों में, अगर जोड़ों में कहीं भी दर्द है, तो उस दर्द में आप इस बांस का प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि इस बांस के पत्ते, ये जो पत्ते हैं, आप इनको तोड़ लेंगे इस टाइप से, ऐसे इन पत्तों को तोड़ के, और एक निरकुंडी होती है, तो निरकुंडी को भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो उसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप देख लें आइकॉन में ऊपर। तो निरकुंडी और बांस के पत्ते आप दोनों को बराबर मात्रा में ले लें और उसको पानी में उबाल लें, काढ़ा टाइप का बना लें और छान कर गुनगुना करके आप जोड़ों का दर्द या घुटने में दर्द है वहाँ उसकी सिकाई करें। सिकाई करने के बाद आप उसमें एक तेल बना लें जिसमें जायफल और तिल के तेल में पकाकर आप रख लें। वो जायफल का तेल आप इसकी सिकाई के बाद प्रयोग करें तो आपके घुटने का दर्द चला जाता है। आप इसका प्रयोग करके देखें, हमें ज़रूर इसका रिजल्ट मिला था, हमने काफ़ी पेशेंटों को यूज करवाया है। आप भी इसका सेवन कर सकते हैं और अपने अगल बगल पड़ोसियों को भी इसका प्रयोग करवा सकते हैं, इसका रिजल्ट 100% आता है। अगर आपको इसके प्रयोग से फ़ायदा होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि हम और लोगों को इसको जानकारी बता सकें और वो इसका प्रयोग कर सकें और इस जड़ी बूटी या वनस्पति का लाभ उठा सके। तो ये बांस की जो घुटनों के दर्द में हम प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताने का प्रयास किया थोड़ा सा। तो आप इस वीडियो को अपने आस पड़ोस यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि इसका प्रयोग कर सकें और घुटनों दर्द से छुटकारा पा सकें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।